तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी करारे एकदम नमक पारे की रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी से हमारी नमक पारे जो है बनकर तैयार होती है। तो एकदम गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी कुरकुरी करारी सी नमक पारे को आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। इतना ज्यादा क्रिस्पी कुरकुरी सी आपकी नमकीन बनती है कि आप इसे महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही नए और आसान तरीके से खस्ता क्रिस्पी कुरकुरी नमकीन को आप फटाफट से आप घर में बना सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो में न्यू आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा सा नमक पारे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है 2 कप मैदा। अगर आप चाहे तो इसकी जगह आटे का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एकदम बाजार जैसे नमक पारे को घर में बना रही हूँ। तो यह नमक पारे को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब सूजी, जो हमारे नमक पारे को थोड़ा क्रिस्पी कुरकुरे से बनाती है। तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे, जिससे कि नमक पारे में एकदम बढ़िया से इसका फ्लेवर आए। और साथ में 1 चम्मच जितना इसमें कलौंजी ऐड करेंगे, जिसे हम अंग्रेला भी बोलते हैं, जो नमक पारे के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट होती है। तब इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। अजवाइन की जगह आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच जितना बटर ऐड करेंगे। बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो नमक पारे में बटर को ऐड करने से इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। तब सभी चीज़ों को सूखे हाथों से एकदम बढ़िया से मिला लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि हमारे नमक पारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी सा फ्राई होती है। तो इसमें ऑयल डालकर मैदे में एकदम बढ़िया से हमें मसल कर मिलाना है इस तरह से, जिससे कि हर रेसियो में कुकिंग ऑयल जो है बढ़िया से मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो एकदम अच्छे से मसल कर इस तरह से मिलाइएगा, जिससे कि हमारी जो नमक पारे हैं वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, इस तरह से ऑयल एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पानी डालकर एक हार्ड सा डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम हार्ड सा डो लगाकर मैंने एकदम बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो एकदम इसी तरह से आप मसलते हुए एक हार्ड सा डो लगाकर इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। तब इसे हम ढककर रख देंगे मैक्सिमम 15 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो आटा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट यहाँ पे हो गया है और हमारा आटा जो है वो बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे हम एक बार और इस तरह से मसलते हुए और अच्छे से मिला लेंगे। तो इसके आप 3 से 4 पीसेस में इस तरह से कट कर लीजिए। तब इसके राउंड करते हुए इस तरह से लोई की तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोई को हाथों पर इस तरह से रखकर एकदम स्मूथ सा लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। तब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके लोई को हम इस तरह से पहले बेल लेते हैं। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए, रोटी से थोड़ा सा पतला बेलना है इसे, ध्यान रहे इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल आपको इसी तरह से रखना है। तब यहाँ चाकू या पिज्जा कटर से आप इस तरह से लंबे नाइफ से हमें कट करना है। तो बहुत मोटा भी हम कट नहीं करेंगे, जैसे बाजार में मिलते हैं नमक पारे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कट करना है। बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स जब आप इस तरह से कट करेंगे। और देखिए इस तरह से कट करने के बाद हमें डायमंड शेप में बिल्कुल इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए जब इस तरह से आपके नमक पारे जो है कट हो जाए, तब इसे हम नाइफ से इस तरह से उठा लेंगे। अगर इस तरह से आपके जो नमक पारे हैं चिपक रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑयल में जाकर ये अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। तो यह दूसरी लोई को भी इसी तरह से कट कर हमें तैयार कर लेना है। बिल्कुल आप डायमंड शेप में इस तरह से आप कट कर लीजिए। बहुत ईजी और एकदम फटाफट से हमारे जो नमक पारे हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नमक पारे को कट करके इस तरह से तैयार कर लिया है। बहुत इजी और एकदम फटाफट से कट कर तैयार हो जाती है। तब चलिए फटाफट से मीडियम गरम ऑयल में इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तब यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल डालकर ऑयल को एकदम मीडियम गरम कर लिया है।
तो एक करछी में आप इस तरह से नमक पारे को ले लीजिए और सारे नमक पारे को आप इस तरह से डाल दीजिए। इससे आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा। इस तरह से डालने का एकदम आसान तरीका है। और 2 मिनट बाद आप फोक की हेल्प से इस तरह से आप नमक पारे को चला लीजिए, जिससे कि हमारे सभी नमक पारे अलग अलग हो जाए। तो इस नमक पारे को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारे नमक पारे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होती है। तो बीच बीच में आप चलाते जरूर रहिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे जो नमक पारे हैं वो समान तरफ से क्रिस्पी फ्राई हो। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस नमक पारे को फ्राई होने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारे नमक पारे जो है फ्राई हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फटाफट से इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी करारी सी हमारी नमक पारे जो है फ्राई हुई है। कोई कह नहीं सकता है फ्रेंड्स कि अपनी बाजार जैसे नमक पारे को घर में बनाया है। तो सेकेंड बैच के भी इसी तरह से नमक पारे को डालकर एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी करारी सी बहुत ही टेस्टी एकदम बाजार जैसे हमारे नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आपके भी जो नमक पारे हैं एकदम बाजार जैसे बनकर क्रिस्पी फ्राई होंगे, जिसे आप महीनों स्टोर करके एकदम बढ़िया से खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इतना ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी आज की नमक पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये रेसिपी अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स।